मॉर्निंग। देखिए सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, जा रही हूँ शॉपिंग करने कलकत्ता। तो अभी मम्मी भी यहाँ पे सी ऑफ करने के लिए रेडी है, उधर पापा भी मार्केट नहीं गए हैं, वहीं पे खड़े हैं कि क्योंकि ये सब जो नातिन सब होते हैं ना, ये सब प्यार के चीज़ होते हैं, तो इसीलिए उसको बाय करने के लिए तो आज जा रहे हैं मार्केटिंग करने। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कैसा मार्केटिंग होता है। यहाँ पे नील रेडी है तो जा रहे हैं हम तीनों। ठीक है मम्मी, बाय बाय, मार्केटिंग करके आती हूँ। अभी बीच रास्ते पे पिकम माजा खाई है और हम लस्सी, फिर इसके बाद जाएंगे। पिकम को आज मेट्रो सफ़र करना है तो देखते हैं पिकम का मेट्रो सफ़र आज कैसा रहता है। तो अभी जा रहे हैं दक्षिणेश्वर, तो दक्षिणेश्वर वहाँ से मेट्रो से फिर हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग गंगा नदी क्रॉस कर रहे हैं और गंगा नदी के उस पार जो टेम्पल दिख रहा है आप लोगों को, वो दक्षिणेश्वर टेम्पल है। गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे कि प्रीपेड ले लो क्योंकि ओला उबर करके अच्छा एसी में जा पाओगी। इस मेट्रो में भी एसी है बट पेखम का बहुत शौक था। वो पिछले साल भी मुझे बोली थी कि मम्मा मुझे ये अंडरग्राउंड में मेट्रो में चलना है, क्योंकि कलकत्ता में तो अंडरग्राउंड मेट्रो चलता है, तो उसके लिए ही मुझे ऐसे ही मतलब बस ऑटो ये सब करके फिर मेट्रो ये सब करके आना पड़ रहा है। चलिए बच्चे का शौक है, उसको भी तो मतलब फुलफिल करना हमारा हम लोग मतलब पेरेंट्स का ही तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी आए हैं एक शाम बाजार, एक साड़ी शॉप में, तो वहाँ से कुछ साड़ी लेना है, तो वो देख के फिर और एक जगह पे जाएंगे। तो अभी देखती हूँ यहाँ पे क्या कैसा साड़ी मिलता है। देखो साड़ी देखो, कौनटा चॉइस कर ले। ठीक है सर, अमा के एक अलग तक छोड़ लग जाती है कैमरे में था छोटा बाबा के लिए लागू बोल। अभी है देखो কাছে এসো, দেখি কন্ট্রাস্ট বুঝতে পারছি। দেখো এই দেখো, ঠিক আছে। हम दोनों पहली बार इस टाइप के रिक्शा में चढ़े हैं, फर्स्ट टाइम। दिख गया हम नहीं है उतर जाएंगे, लेकिन फिर भी पेखम का आज हाँ राइड ही राइड हो रहा है पेखम का। ये ऐसे ले जाते हैं, हम लोग बैठे हैं और ये अंकल जी ऐसे करके खींच के ले जा रहे हैं, और पेखम तो आइसक्रीम का मजा ले रही है। अभी खाना खाई, इधर आसपास में और मिल नहीं रहा था तो यहीं पे आ गए थे, लेकिन खाना जो था बहुत टेस्टी था, एकदम घर जैसा खाना था, बहुत अच्छा लगा खा के। और पेखम को फिर बोल रही है कि मुझे आइसक्रीम दिलवाओ, वो तो बाहर निकल के आइसक्रीम खाती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो अभी आइसक्रीम खा रही है और हम जा रहे हैं फिर से मेट्रो करके जाएंगे अभी स्प्लेनेट, वहाँ पे धर्मतला मार्केट, वहाँ पे जाके पेखम का भी ड्रेस खरीदना है। और नील पीछे पीछे आ रहे हैं, रुकिए दिखाती हूँ कहाँ पे है नील, ये देखिए। अभी हम लोग आ गए हैं धर्मतला मार्केट। तो ये मार्केट ऐसा है कि आपको राइट लेफ्ट इधर उधर कहीं पे भी देखो ना, तो स्ट्रीट शॉपिंग, हर एक ब्रांडेड शॉप यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब हर एक चीज आपको मिलेगा, ये शॉपिंग का हब बोल सकते हैं आप लोग। अभी मैं जा रही हूँ श्रीराम मार्केट, ये एक छोटा सा मॉल जैसा है, बहुत पुराना है। ठंडा पानी दो,
फिश है ना नीचे, कितनी बड़ी बड़ी है ना। अभी बहुत कुछ शॉपिंग कर लिया, अभी जा रहे हैं न्यू मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा सा चूड़ीदार वगैरह ये सब। रुकिए गाड़ी, अभी जा रहे हैं, देखते हैं। मेरा अभी चूड़ीदार वगैरह कुछ नहीं हुआ, पेखम का हुआ है, नील का हो गया है, मेरा सिर्फ साड़ी। कहाँ पे सोडा? अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये लोग सोडा खाने के लिए रुके हैं। मेरा कब होगा पता नहीं, इन लोगों का खाना पीना तब से चल रहा है, सबका शॉपिंग करवा दिया, लेकिन मेरा अभी बाकी है। आप बोल रही है कि थक गई है, आप बोल रही है कि थक गई हूँ मम्मी घर चलो, और मैं अपना मतलब 2-3 सलवार सूट यहाँ से लेना था मुझे, शाम भी हो चुका है, लेकिन ये लोग ठीक है चलो अभी बोल रही है। अभी मतलब ये सीलर से शॉपिंग किए हैं, बहुत सारा शॉपिंग किया। आई हूँ न्यू मार्केट के अंदर, हॉक मार्केट बोलते हैं इसके अंदर भी आई हूँ, न्यू मार्केट भी बोल सकते हैं, हॉक मार्केट भी बोल सकते हैं। तो इधर में ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, कहाँ पे सलवार सूट का शॉप है, कहाँ पे ये तो सब बच्चों का शॉप दिख रहा है मुझे। चीप्स? क्या चिप्स? अभी देखिए सोडा खाई है, अभी बोल रही है चिप्स। इसका मतलब कभी भी ये खाना वो खाना स्टॉप नहीं होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा ढूंढ लेती हूँ इधर उधर कहीं पे सलवार सूट का कहाँ कहाँ शॉप है, क्योंकि नीचे बहुत इधर उधर गली है, उधर ढूंढना पड़ता है। फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। यही तो एक छिल नीचे तक नहीं गेलो, और ये भी क्लचर वाला है क्या? नहीं ना, वो सब क्लचर वाला। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रीट फूड भी मिलता है, तो हम लोग अभी आए हैं मोमो खाने के लिए, तो यहाँ पे गोंधोरा चिकन मोमो लिए थे हम लोग। अभी कुछ ही देर हुआ है, घर पहुंच गई हूँ, घर पहुंच के थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। अभी भी नील है बाथरूम में, फ्रेश हो रहे हैं, मेरा और पेखम का हो गया फ्रेश होना। मम्मी चाय बना रही है क्योंकि थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा है। हम लोग तो आइसक्रीम मोमो ये सब खा के ही तो हम लोग मतलब चाय नहीं पिए थे, वहाँ पे गर्मी में उतना चाय नहीं पीते, और अभी यहाँ पे आके कि फ्रेश होकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मम्मी को बोली कि मम्मी चाय बनाओ। मम्मी बोलो पूछ रही थी क्या खाओगी, बोलो क्या खाओगी, फ़ोन करके भी पूछी थी कि कुछ मंगा के रखूँ। मैं बोली नहीं आज तो बाहर से खा के आ रही हूँ, कुछ मंगा के मत रखिए, घर में जाके चाय ही पियेंगे। तो अभी थोड़ा सा चाय वाय पीती हूँ, बैठती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ आज का मतलब व्लॉग में अगर मैं सारा शॉपिंग दिखाऊँ ना तो मतलब व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैं शॉपिंग नहीं दिखाऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूँगी आप लोगों को कि मैंने क्या शॉपिंग किया, क्योंकि बहुत सारा शॉपिंग की हूँ आज। दिखाते थोड़ा सा टाइम लंबाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ कि डिनर में क्या बना है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। अभी दही, सब दही खाएंगे, यहाँ पे बंगाल में आए हैं, और ये मिष्टी दो ही। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं खाया तो पूरा मिस कर गया। हाँ हाँ,
और मम्मी वहां पे बोल रही है कि मैं बचपन में क्या करती थी, ऐसे हंडी लेके ना बैठ जाती थी दही खाने के लिए, पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, बस ये दही खाना है। वही मम्मी हंस रही है कि पीयू कैसी थी, पहले हंडी लेके भाग जाएगी, अभी तो हंडी में नहीं देता है, ऐसा भाड़ में देता है। तो मम्मी हंस रही है। ये बेगम को दे देती हूँ, क्योंकि ये पहले हम लोग भी खाएंगे, देखो हम अकेले नहीं है। सबका दे दिया, ये मेरे वाला हिस्सा है, मैं तो इसी में ही खाऊंगी। देखो पेखम ना, क्यों उसको देखिए कितना ज्यादा दी हूं मैं, हाँ फिर भी बोल रही है यहाँ पे दुटो भाड़ आचे, एक टा फ्रीजे आचे, आज खाओगी तो कल वाला फिर मुझे देना पड़ेगा। कौन सा वाला खाओगी बोलो, आज ही खाओगी या फिर कल? हाँ ठीक है ले जाओ। और आइए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे मम्मी अभी रोटी बना रही है, डिनर का टाइम हो गया है। यहाँ पे है ये क्या, मसूर दाल का पकोड़े का एक मतलब सरसों डाल के एक चीज बना है, और यहाँ पे बना है मछली का झोल, परवल आलू ये सब डाल के, और यहाँ पे राइस बन गया है। एक्चुअली हम लोग बोल ही दिए थे कि रात में ना राइस खाएंगे, सुबह से बहुत घूमे हैं। मैं मेरा राइस मतलब कि मैं और पिकम तो राइस ही खाते हैं, नील भी बोले हैं आज कि वो भी राइस खाएंगे, तो अभी फिलहाल दही का मजा ले लेते हैं। तो ये ठंडा ठंडा दही के साथ ये मम्मी को दे देती हूँ, ठंडा ठंडा दही के साथ आज का वीडियो यही पेंट करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, फिर मिलेंगे कल और एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।